मेरा मैकओवर हुआ है आर्टिल सलोन से, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन हुआ है। तो आप भी अपने बड़े दिन का और बड़ा बनाएं और आर्टिल सलोन से तैयार हो। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये हैं हमारी बहुत प्यारी सी क्यूट मॉडल ब्राइड, यानी रॉयल ब्राइड हैं ये हमारी। तो इन्होंने, इनकी परमिशन से हम जो है इनका मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मगर फुल मेकअप तो मैं शेयर नहीं कर सकूँगी क्योंकि क्लिपिंग्स ही ले सके हैं हम। और जो चैनल पे मेरे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि इनकी आईब्रोज़ की शेपिंग होगी अब सबसे पहले स्टार्टिंग में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल सीज़न है, ब्राइडल सीज़न है, तो उसमें जो है रेगुलर ब्राइड पर, यानी रियल ब्राइड पर मेकअप करना और उसकी फुल वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमारी रियल ब्राइड्स होती हैं तो एक दिन में हमारी ज़्यादा ब्राइड्स भी होती हैं। तो बस हमें, इन्होंने ही परमिशन दी थी अपना मेकअप शेयर करने के लिए, तो हम जो है फुल वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब ब्राइडल्स होती हैं ज़्यादा तो पार्टी मेकअप भी होते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो स्टाफ हमारा सब बिज़ी होता है। यानी एक लड़की को भी अगर हम कैमरा पकड़ के मुस्तकिल एक घंटे तक खड़ा रखेंगे तो वो जो है टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम जो है छोटी छोटी क्लिपिंग्स ही ले सकते थे, तो हमने इनकी सब जस्ट क्लिप्स लिए हैं, ज़्यादा वीडियो फुल नहीं बना सके हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी क्राउड था हमारे सैलून में, काफ़ी रश था, तो जिसकी वजह से हम आपको फुल वीडियो नहीं दिखा सकते। या इसका, इनका मेकअप हम करेंगे और मैं आप करके दिखाऊंगी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इनका फाइनल लुक है जो कि मेरी पहले की वीडियोस में भी है। आप लोग ने अगर नहीं देखी, जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल पे आए हैं, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने कम्प्लीट पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है ब्राइडल लुक पे, तो जो है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। देन वही सारे शेड्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वही टेक्निक है, उसी को हमने फॉलो किया है और उसी तरीके से मैंने अपना सिग्नेचर मेकअप किया है। मोस्टली हमारे यहाँ बारात में लोग मेरा सिग्नेचर मेकअप ही डिमांड करते हैं, लोग आके बोलते हैं कि हमें आपका सिग्नेचर मेकअप करवाना है, तो जो है हम जो है वही सिग्नेचर मेकअप दे रहे होते हैं। यू नो दैट कि आप लोग को पता होगा कि सिग्नेचर मेकअप जो है वही होता है, जो एक स्टाइल होता है, जो हम अगेन बार बार वही स्टाइल दे रहे होते हैं, वही मेकअप होता है, सेम सिग्नेचर मेकअप वही कहलाता है। तो ये वही मेकअप है, और आप लोगों को मेरी जो काफ़ी जो मेरी रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो आके डिमांड करती हैं कि हमें आपका सिग्नेचर मेकअप ही चाहिए अपने फेस पे, तो हम वही देते हैं। ये इनकी आइज़ का आप लोग देख सकते हैं, वही लुक दिया है मैंने जो मैं अमूमन अपनी ब्राइड्स पर देती हूँ, सिग्नेचर स्टाइल। देन उस पर 3D आईलैशेस लग रही हैं, और आइज़ माशाल्लाह इनकी बहुत बिग और बहुत प्यारी हैं, इनकी अपना आइज़ का लुक बहुत खूबसूरत है, तो इनकी आइज़ के ऊपर मेकअप जो है वो और इन्हेंस हो रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हमारी मॉडल जो है, इनकी तकरीबन 4 to 5 डेज़ की बुकिंग्स हुई हुई थी, यानी इनकी माइयों, बारात, मेहंदी और इवन के वलीमा और पार्टी, तकरीबन इनके 4 to 5 डेज़ की बुकिंग्स हमारे पास ही थी। और ये बहुत अच्छी कोऑपरेटिव हैं, शिका नाम है इनका, और इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, इन्होंने अपने सारी जो है शेयरिंग करवाई, अपने इंटरव्यू दिया, तो मैं इनका तहे दिल से थैंक करती हूँ शिका का, कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनका न्यू इनकी बिगनिंग हुई है अपने लाइफ की, तो अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। और जो मेरे न्यू देखने वाले हैं, मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको बहुत खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। और बाकी जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मैं इंशाल्लाह वलीमे की भी इनकी वलीमे के लुक की भी मैंने क्लिपिंग्स ली हैं, बहुत जल्द वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और तब तक के लिए मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे FB पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलें, तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।